सलाम टू ऑल व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल रम्ज़-ए-इश्क की सेकंड लास्ट एपिसोड की न्यू प्रोमो नशर कर दी गई है, जिसमें आप देखेंगे रानिया रायान से कहती है कि तुम्हें मुझसे जो भी किले हैं, जो भी शिकायतें हैं, मैं सब दूर कर दूंगी, बस तुम रोशनी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। जिस पर रायान कहता है कि क्या कह रही हो तुम, मैं मर के भी रोशनी को नहीं छोड़ सकता, मोहब्बत है वो मेरी और अब मेरे होने वाले बच्चे की माँ भी। रायान ये बात कहते हुए उसका हाथ झटक देता है और वहाँ से चला जाता है। रानिया उसका ये रवैया देखकर हैरान रह जाती है कि किसी सूरत में भी रोशनी को नहीं छोड़ेगा। अपनी माँ के सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है कि मामा मैं क्या करूँ, मैं कैसे रोशनी को रायान की ज़िंदगी से निकालूँ। जिस पे उसकी वालदा कहती हैं कि तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ तुम्हें ज़रूर मिलेंगी बेटा। मजीद उसे कहती हैं कि रोशनी के कहकों को मैंने उसके रोने में ना बदलाना तो मेरा नाम सफ़िया बेगम नहीं। अब सफ़िया बेगम नई चाल चलते हुए मुकम्मल तौर पर रोशनी का खात्मा करना चाहती हैं। उसके जूस के गिलास में जहर डालकर बुआ के हाथ दे देती हैं कि जाकर ये रोशनी को दे दो। और उधर जब रायान रोशनी को ढूंढते ढूंढते उसके कमरे में जा पहुंचता है तो उसे बेहोश पाता है। उसे ऐसे हालत में देखकर परेशान हो जाता है और चिल्लाकर अपने वालदैन को बुलाता है। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि सफ़िया बेगम और उसकी बेटी की इस घटिया हरकत पे रायान क्या एक्शन लेगा? अपनी कीमती राय से ज़रूर आगा कीजिएगा। मज़ीद ड्रामास प्रोमो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन हासिल करें।